आज बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड वो राज्य जहाँ लगातार मुख्यमंत्री का कोई ना कोई बयान चर्चा में बना रहता है, लेकिन इस बार यहाँ कोई बयान नहीं है, सिर्फ खतरे का अलर्ट है और ये अलर्ट बच्चों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में पिछले डेढ़ माह में 16,000 से अधिक बच्चे और 19 साल तक के युवक संक्रमित पाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 की वेबसाइट के मुताबिक इनमें 9 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या 3,220 है और 10 से 19 साल के बीच वाले लोगों की संख्या 13,390 के आसपास है। राज्य में पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला मामला सामने आया था, लेकिन साल भर बाद अगर 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो प्रदेश में बच्चों और किशोरों के बीच संक्रमित का कुल आंकड़ा 10,740 है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। मगर सिर्फ अगर बात करें सिर्फ पिछले महीने अप्रैल की तो अप्रैल में 18,000 के पार ये आंकड़ा जा चुका था। मगर इन सब के बीच ज़रूरी बात यह है कि बच्चों में संक्रमण में तेज़ी और प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है वो सोचने वाली बात है। आइए अब एक बार ये सवाल भी देख लेते हैं जो लगातार उत्तराखंड पर उठ रहा है। तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर के बारे में चेतावनी भी मिल चुकी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों और किशोरों को होगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर सरोज नथानी ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े हमें अलर्ट कर रहे हैं। दूसरी जगहों की तरह उत्तराखंड में भी इस आयु वाले कई तरह के परिवेश में आते हैं। कुछ बच्चे इस वर्ग से हैं जहां अधिकतर समय घरों में बिताया जाता है, वीडियो गेम्स खेलकर बिताया जाता है या फिर ऑनलाइन क्लासेस में बिताया जाता है। मगर इसके ठीक उलट एक दूसरा वर्ग भी है जहाँ लोग छोटे कॉलोनी से आते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इन दोनों में अलग वो बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं। उत्तराखंड में गांवों में रहने वाले अधिकतर बच्चे पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जहां लोगों की धारणा है कि यहां पहाड़ों में कोरोना नहीं फैलता। डॉक्टर सरोज बताती हैं, अभी जो आंकड़े आए हैं इसमें हमें ये देखना होगा कि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं ये किस कैटेगरी के बच्चे हैं और कहाँ के हैं। क्या ये भी देहरादून, हरिद्वार और उद्धम सिंह नगर के बच्चे हैं या पहाड़ के किसी इलाके के हैं? हमें अपनी सर्विलेंस टीम से ये कहा है कि पता करना शुरू कर दीजिए कि आखिर ये बच्चे कहाँ से आए हैं और हमारी स्ट्रेटजी कैसे होगी अगर हम इस पर काम करते हैं। क्लियर हो गया है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से तेज़ी करना है और लोगों की जान बचानी है। वो ये भी कहती हैं कि हो सकता है बच्चे घर से बाहर ना निकल रहे हों, लेकिन माँ बाप या परिवार के दूसरे लोग तो काम पर बाहर जा रहे हैं और हो सकता है उनके थ्रू इन्फेक्शन इस बच्चों को हो रहा है। डॉक्टर सरोज का मानना है कि अगर हम पेंडेमिक की हिस्ट्री देखें तो नॉर्मल 3 या 4 ही वेव आती हैं। वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, अभी देश में 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि हमें अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसमें यह भी पूरा साल ख़त्म हो सकता है। अब सिर्फ 18 साल से नीचे की उम्र का ग्रुप ही बच गया है जिसे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की तैयारियां क्या है और सरकार किस तरीके से चीज़ों को देख रही है। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उलियान ने कहा है कि सरकार बच्चों के लिए अलग से कोविड अस्पताल तैयार कर रही है जिसमें अलग कमरों में बच्चों को रखा जाएगा। हम लोग होटल को भी इसमें शामिल कर रहे हैं जिससे उनको कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सके और ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके, जिसमें बच्चों के लिए सिंगल रूम फैसिलिटी की जा रही है जिसमें अगर बच्चे के साथ उनके माँ बाप को भी रखना हो तो उन्हें रखा जा सके। सुबोध उलियान मानते हैं कि राज्य में चाइल्ड स्पेशलिस्ट पर्याप्त संख्या में नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जितने भी हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की उपलब्धता होगी। हमने सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया है कि डॉक्टरों की कमी को देखते हुए वो भी भर्तियां कर सकते हैं। सुबोध उलियान ने गांव में लोगों से अपील भी की है कि टेस्टिंग से हिचकिचाएं नहीं और समय पर टेस्टिंग कराएं अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो। देहरादून में सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल कहते हैं कि बच्चों का इलाज कैसे हो उसकी भी सरकार या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी एक ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिससे सब लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से सरकार इलाज कर रही है। बच्चों के केस में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है
तो उनके साथ माताओं को भी अस्पताल में देखरेख के लिए रहना पड़ेगा। तो ऐसे में जानकारी नहीं आई है कि उत्तराखंड में अस्पतालों में ऐसे बच्चों की माताओं को रहने के लिए अलग से इंतज़ाम होगा या नहीं। इसके अलावा बच्चों से संक्रमण माताओं में ना हो, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और कैसे इसे बचाया जाएगा इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको लेकर विशेष तौर पर बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को राज्य के जितने भी बच्चे के डॉक्टर हैं, वो चाहे सरकारी हों या प्राइवेट हों, जो बच्चों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें साथ मिलकर तुरंत बैठक करनी चाहिए, ये ज़रूरी बात है। देहरादून में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित सिंह कहते हैं कि अस्पतालों में NICU और पेडियाट्रिक केयर यूनिट की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर इसे डेवलप करने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। बच्चों के साथ स्थिति मिनट में बिगड़ सकती है, हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स टाइम को भी लेकर ज़्यादा ध्यान देना होगा। किस तरीके से ये रिस्पॉन्स टाइम होगा और किस तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा, इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ECP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।